43 देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स जो है एफ एक्स के बराबर है तो हमें इसमें से इसका मान किसके बराबर होगा। चलिए हम इंटीग्रेशन लेते हैं ए टू बी एक्स एफ एक्स, ये ना दिया है जी डी एक्स, इसे मैं आई मान लेता हूं, लेट ठीक है ये आई मान लेता हूं ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए चाहे आई ही रहने दीजिए। अब मैं जो प्रॉपर्टीज है, एक प्रॉपर्टीज थी आपकी पी थ्री वाली, मैंने क्या बताया था उसमें कि आपका लिमिट दिया हो a टू b या p4 में ही था कुछ f x दिया हो तो उसमें लिख सकते हैं a टू b f a प्लस b माइनस x dx, तो यही वाली प्रॉपर्टी लगाता हूं तो इसके अकॉर्डिंग i इक्वल टू यहां पे आ जाएगा a टू b a प्लस b माइनस x और फिर f a प्लस b माइनस x dx, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए आगे देखिए i इक्वल टू जीरो ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स और यह जो है यह आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स जो है ना यह एफ एक्स के इक्वल है तो इसके जगह पर मैं एफ एक्स लिख देता हूं, यह दिया हुआ है हमारे पास। चलिए अब आगे देखिए मैं यहां अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, आई इक्वल टू हो जाएगा ए टू बी, यहाँ पे कॉन्स्टेंट वाले को एक साथ ले लेता हूँ ए प्लस बी और एफ एक्स यहां ले लेता हूं, फिर माइनस देकर ए टू बी आपका ये जो है x और आपका एफ एक्स, तो यह देखो आपके क्वेश्चन में यह जो है i के बराबर हमने लिया है, देखो ये i के बराबर लिया ना तो इसको हटा के मैं i लिख दूं, इसको हटा के i लिख सकता हूं या मैं उसे समीकरण एक और इसको समीकरण दो मान के दोनों को जोड़ सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं। ए टू बी आपका ये कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिख दें ए प्लस बी ठीक है एफ एक्स dx और ये i क्या वैल्यू है, ये जाके उधर जुड़ जाएगा तो 2i हो जाएगा ना जी, 2i इक्वल टू a प्लस बी इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स का, ये 2 आके इधर भाग में आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा तो यहाँ i बराबर में हो जाएगा a प्लस बी बाई टू इंटीग्रेशन आपका लिमिट दिया a टू b और फंक्शन है आपका एफ एक्स एक्स के सापेक्ष तो ये इसके बराबर होगा, यानी कि कौन सा आंसर दिख रहा है आपको डी नंबर आपका दिख रहा है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगला देख